तो सर उस तो सर ऐसे सियासतदान जो लीडर है मुसलमानों के रहबर बताते हैं अपने आप को, यह कहते हैं कि मुसलमान का लीडर सिर्फ एक ही है सिद्धरामैया, और आज जब मुसलमानों के नबी के बारे में आवाज़ उठाई गई है तो ऐसे लीडर चुप क्यों? नहीं, अभी आज के इस वक्त में इस मामले पर कोई भी पॉलिटिकल सवाल आप भी ना करें तो बेहतर है, और पॉलिटिकल जवाब मैं भी ना दूं तो बेहतर है। इसको की बात हटा दो, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं हर वक्त जो मुसलमानों को कहते हैं कि हम आपके रहबर हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे, तो ऐसे लीडर्स कहाँ गए? और एक समझिए कि एक पागल कुत्ता कही है हमारी जबान में, एक पागल कुत्ता है जो भौंक रहा है। लेकिन कहीं पंचायतों को नहीं जाना। अब पिछले परसों हाल जो डीजे हल्ली में हुआ, जैसा कि आप बताए, ऐसा मामला कहीं पर भी नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शरपसंद वसीम रजवी लगातार अपने शर से मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश करता आ रहा है। लगातार मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए वसीम रजवी अपनी नाकाम कोशिश नापाक इरादों के साथ करता आ रहा है। इसके खिलाफ शहर के मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर FIR दर्ज करवाए जा रहे हैं। पठानपुरा वार्ड इमरान पाशा ने आज बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर एक FIR दर्ज करवाया, आइए कुछ तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले तो जो वसीम रिजवी वो जो जाहिल है, जाहिलाना स्टेटमेंट जो दिया है उसको पढ़ा लिखा जाहिल बोलते हैं। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ने और लिख लेने से इंसान कामयाब नहीं बनता, पढ़ाई लिखाई के साथ उसको दीनी इल्म होना चाहिए। और वो तो एक पढ़ा लिखा जाहिल है, शैतान, जिसने हमारे नबी के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। तो इसी सिलसिले से कल जो है मैं और हमारे हाजी सैफुल्ला साहब और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान सब मिलकर बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पांत साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब से मिले, और काफ़ी देर कमिश्नर साहब से हमारी उनकी बात हुई। और कमिश्नर साहब बोले, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है क्योंकि जाने कितने सेंचुरीज से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छे मैसेंजर थे और उन्होंने बहुत सारा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है कर एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में इतने पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो एक मुसलमान होकर ये शैतान इतना बुरा स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं इसके दिल में क्या है करके। तो हमारे तरफ से एक FIR के लिए भी अर्जी रिक्वेस्ट करके आए हैं। और दूसरा, कहीं पर एक स्टेटमेंट मैं देखा कि वसीम रिजवी बता रहा है कि इस्लाम धर्म जो है इसके अंदर फोर्सिबली किसी भी एक जात के किसी भी एक धर्म के व्यक्ति को जो है फोर्सिबली इस्लाम में दाखिल करने की दावत देता है, अगर वो नहीं मानता तो उसको कत्ल करने का इजाज़त देता करके। ये सरासर गलत है। हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, बिल्कुल पाक है, पानी की तरह। ये तो सिर्फ कुछ लोग जो अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट अच्छा कर लेने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट्स, चाहे वो हिंदू रहो या चाहे मुसलमान रहो, अपने हिसाब से देकर लोगों को गुमराह करते हैं। और फाइनली जो है कोई चंद लालच पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग जो है हमारे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको, तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम क्रिश्चियन, तमाम ईसाई, सिख, सारी जो कम्युनिटीज़ जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर हम ज़िंदगी कर रहे हैं, तो हम सबको जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का भी शुक्रिया अदा करना है। और जो हिंदू धर्म के जो भी भगवत गीता है या बाइबल है, तो आप हम अपने अपने हिसाब से अपनी धार्मिक किताबों में जो बिलीव रखते हैं उसको हम अगर से दिल से मानकर चलेंगे तो कहीं पर भी कोई भी जात का तू हिंदू मैं मुसलमान बोल के डिवाइड नहीं होते। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सब एक होकर अमन के साथ ज़िंदगी करना है।
सर जो आपने एफआईआर, आपको भी, हम सबको ये मामले को लेकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम, वो तो हमारे मैसेंजर हैं, हम उनको फॉलो करके आ रहे हैं। अब अगर उनके ऊपर आँच लेके आकर ठहराना, उनके ऊपर बुरा भला बोलना, ये सरासर गलत है। ये मैं नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हम सब जो है कानून के दायरे में उसके ऊपर कंप्लेंट किए हैं, एफआईआर दाखिला करवाए हैं, और आगे चलकर ऐसा काम कोई भी घिनौना ना करे। इसलिए ये चीज़ को मुझे ही नहीं, हम सबको आगे बढ़कर इसके बारे में मैसेज देना चाहिए, और जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। सर ऐसे सियासतदान जो लीडर है मुसलमानों के, रहबर बताते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कि मुसलमान का लीडर सिर्फ एक ही है, सिद्धरामैया, और आज जब मुसलमानों के नबी के बारे में आवाज़ उठाई गई है तो ऐसे लीडर चुप क्यों? नहीं, अभी आज के इस वक्त में इस मामले पर कोई भी पॉलिटिकल सवाल आप भी ना करें तो बेहतर है, और पॉलिटिकल जवाब मैं भी ना दूं तो बेहतर है। अगर सिद्धरामैया की बात हटा दो, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं हर वक्त जो मुसलमानों को कहते हैं कि हम आपके रहबर हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे, तो ऐसे लीडर्स कहाँ गए? क्या इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है, या वो आगे की सियासत के बारे में सोच कर चुप हो गए? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, वो अपनी अपनी हिदायत का मामला है। अल्लाह जिससे जो तौफीक देना है, जो हिदायत देना है, वो हमेशा से वो वक्त पर अल्लाह ताला देते हैं। बस मैं एक हमारे इलाके का, मोहल्ले का, बेंगलोर शहर का एक पैदावार हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी हमारी कौम के ऊपर कोई भी उंगली उठाए, आँच लगाने की कोशिश करे, तो उसके लिए मैं पहले भी वादा किया हूँ, आज भी वादा करता हूँ। सबसे पहले अगर कुछ भी फेस करना पड़े, अगर जान भी देना पड़े, तो सबसे पहले मैं आकर खड़ा रहूँगा। सर अब इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा? दूसरे का मुझे नक्को। इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा सर? आगे का वही एफआईआर करेंगे, फिर एफआईआर के बाद हम फिर से अपना डेलीगेशन लेकर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, फिर से उनको अरेस्ट की डिमांड करेंगे, और उसको जेल में डालने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए देखो, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, सभी से गुजारिश है, और तमाम जो भी मस्जिद और मदारिस के कमिटीज़ वाले हैं, आप तमाम अपने इलाकों में इसके बारे में अवेयरनेस करें, लीगल क्लासेस लें, और तमाम लोकल पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं करेगी, पुलिस आप अगर वॉलंटरली, आप सब, सबको राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा संविधान बनाकर गए हैं, जिसके वजह से मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी है, तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग सभी लोकल, आपके पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर रहते हैं, एसीपी रहते हैं, इन सब से मुलाकात कर लीगल अवेयरनेस करो। हमको पूरा हक है कानून के बारे में जानने का, और कानूनी तरीके से चलने का। कहीं पर भी कोई भी हमको ये चीज़ से ब्लॉक नहीं करेगा, बस हम लोग आगे बढ़ते नहीं। ऐसा करे तो क्या हो जाता कि, वैसा करे तो क्या हो जाता कि, उन्हें जमाता कि, उन्हें नहीं की, ऐसा सभी क्या भी नहीं, कौन भी किसका भी क्या भी कर लेने का नहीं है। समझ में आया? हम ना कानून पूरा इजाज़त देता है, हमें काम भी आ सकती, काम भी जा सकती, किसी भी मिल सकती, किसी भी अपना दुखड़ा, अपना दुख दर्द सुना सकती, अपना जो भी मसले मसाइल हैं किसी के भी सामने हमें रख सकती। कानून भी इजाज़त देता है, हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है। तो ये वजह से तुम्हें लीगल अवेयरनेस करना ज़रूरी है, और कानून को किधर भी तुम्हें हाथ में नहीं लेना, गलाटे टेंशन पंचायतों को नहीं जाना। अब पिछले परसों हाल जो डीजे हल्ली में हुआ, जैसा कि आप बताएं, ऐसा मामला कहीं पर भी नहीं होना। कितने हमारे लोगों को तकलीफ झेलना पड़ा, कितने हमारे माँ बहनों को घर से बेघर होना पड़ा, कितने नौजवान जेल में जाकर सड़े, कितने नौजवान बीजापुर जेल में डाले, कितने नौजवानों को बेल्लारी जेल में डाले, कितने नौजवानों को मैसूर की जेल में डाले, ऐसा कितने की माँ बाप, कितने की फैमिली में, कितने की जने बच्चे जेल में रखो मर गए, जेल में रखो माँ बाप का इंतकाल होगा, जेल में रखो नहीं सो हालत होगी, जरूर बच्चों का, फैमिली का, कौन चलाने वाला, कौन खिलाने वाला, कौन पिना लेने वाला है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखो, कानून के हवाले से, कानून से मदद ले को, कानून है उसे फांसी की सज़ा डिमांड करेंगे, कानून नहीं है तो कानून में ले को आने के वास्ते अर्जी देंगे, है ना,
कानून के कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे। एट्रोसिटी एससी वाले के वास्ते लागू होता है, तो मुसलमान के वास्ते भी तुम्हें एक ऐसा एट्रोसिटी को साथ भी एक अमेंडमेंट करो, करको बोल को हमें पूरा मिल को डिस्कस करको एक डेलीगेशन लेको जाएंगे। हमारा वास्ते भी मुसलमान को राइट्स दियो करको बोल को पूछेंगे, हमें पूछे नहीं तो सामने वाले देते सो कहाँ से हैं, हमें हमारी गलती है ना, तो हमें किसे भी ब्लेम नहीं कर सकते, कोई भी लीडर के ऊपर भी हमें ब्लेम करना अच्छा नहीं। हमारे से क्या होता वो हमें करने की कोशिश करेंगे, कौन क्या कर रही कौन क्या नहीं कर रही वो तो अल्लाह देख रहा, हमें क्या करना वो सोच को हमें दूसरे के बारे में फिक्र ना करते हुए इन्हें ऐसा कर रहा है कि उन्हें वैसा कर रहा है कि ये की वो की वो सब चीज़ों के वास्ते हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे हमें क्या करना, हमें क्या अच्छा कर सकती इंसानियत के वास्ते, कौम के वास्ते, गरीबों के वास्ते, बच्चों के वास्ते, हर किसी के वास्ते हमारे हमारे से क्या अच्छा हो सकता है। मैं हमेशा वोच कर ले काको हूँ सो, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं वोच करता हूँ। और एक बार हमारे कमल पान साहब को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि करको बोले तो बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिए, बहुत अच्छा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनके दिल में हाई रिगार्ड्स है और बहुत सारे ख्यालात का भी इजहार करे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल। कौन भी कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, कानून के दायरे में जाकर काम करो इंशाल्लाह, हमेशा कौम के वास्ते, हमारे भाइयों के वास्ते, कल भी था आज भी हूँ और अल्लाह की मर्ज़ी जब तक रहती है इंशाल्लाह तब तक भी मैं तुम्हारे लोगों के साथ रहता हूँ। वसीम रिज़वी का बयान पिछले तकरीबन साल दो साल से जो कुछ मीडिया के ज़रिए से बाहर आ रहा है, कभी कुरान के मुताल्लिक, कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक, जिस तरह की जाहिलाना और बचकाना बात कर रहा है उससे पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल बहुत ज़्यादा मजरूह हैं। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने मज़हब, अपने मज़हबी किताब कुरान और अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कतान कतान कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना भी नीचा इंसान हो, मुसलमान हो, गुनहगार हो, सब कुछ वो बर्दाश्त कर लेगा लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वसीम रज़वी, जो कुछ कुरान मुक़द्दस की 26 आयात के मुताल्लिक, फिर अभी हालिया बयान जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक दिया है, इससे मुसलमान बहुत ज़्यादा मुस्तरिब हैं, बहुत ज़्यादा इश्तियाल में हैं। बस यह है कि मुसलमान कानून के दायरे में रहकर कुछ काम करना चाहता है और हुकूमत से हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वसीम रज़वी पर कदगन लगाए, किसी भी धार्मिक शख्सियत के मुताल्लिक इस तरह के बयानात कतान कतान काबिले कबूल नहीं हैं। वसीम रिज़वी का जो बयान गर्दिश कर रहा है कि जो इस्लाम कबूल ना करे उसे कत्ल कर डालो, कुरान ये हुक्म देता है, कुरान में लिखा है या नबी ने ऐसा कहा है, ये सरासर इस्लाम पर और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, शख्सियत पर इल्ज़ाम है। ऐसा कोई भी बयान, ऐसी कोई भी आयत ना कुरान में है ना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी है, बल्कि मक्के से हिजरत करके जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूद भी मौजूद थे, ईसाई भी मौजूद थे और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद थे। आज भी जितने इस्लामी ममालिक पाए जाते हैं, हर मुल्क के अंदर तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग बसते हैं और सब अमन से हैं, शांति से हैं, कहीं किसी भी अकलियत को किसी भी मुस्लिम मुल्क में कहीं सताया नहीं जा रहा है। लिहाजा इस तरह का ये बयान वसीम रिज़वी का इंतहाई बदबख्ताना है, इंतहाई जहालत पर मबनी है, इसे हम कंडम करते हैं। और जो कुछ इमरान आरिफ पाशा साहब की जानिब से शहर बेंगलोर में कार्रवाई की गई है और यहाँ के पुलिस अफसरान से मिलकर जो कुछ FIR दर्ज की गई है, ये लायक तहसीन इकदाम है। अगर हुकूमत ने वसीम रिज़वी पर कार्रवाई न किया तो ला मुहाला फिर हो सकता है मुसलमान मुश्तइल हो जाएं और मुश्तइल होकर फिर उल्टे सीधे काम होते हैं, अल्लाह करे वैसा ना हो, लेकिन मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करेगा, अपने नबी की शान में गुस्ताखी कतान नहीं बर्दाश्त कर सकता। वसीम रिज़वी को कान खोल कर यह बयान सुन लेना चाहिए। मौलाना, बहुत से उलमाए कराम इलेक्शन के वक्त जो है सियासतदानों को मस्जिद में बुलाकर
उनसे मीटिंग कराते हैं। अब जब बात ईमान की हो गई है, जब बात आपकी नबी की हो गई है, कहाँ गए वो उलमा कराम? देखिए, एक बात बहुत अहम यह भी है कि किसी को पॉपुलर करने के लिए अगर उसके उल्टे सीधे मज़ाक़ा खेज़ बयानात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो उसको शह देने के मुतरादिफ़ है। तो मैं समझता हूँ वसीम रिज़वी को एक पागल कुत्ता समझकर हमारे बड़ों ने छोड़ रखा है कि पागल कुत्ते के भोंक पर अगर जाएंगे तो ऐसे भोंकने वाले बहुत हैं। इनको पॉपुलर बनने से बचने के लिए और उन्हें शह देने के लिए या उनके बयान की किसी तरह पसीराई से बचने के लिए हमारे उलमाए किराम या हमारे बड़े उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं एक बच्चा है और एक समझिए कि एक पागल कुत्ता कहिए हमारी ज़बान में, एक पागल कुत्ता है जो भौंक रहा है। लेकिन